गुड मॉर्निंग बॉडी, आज तो बनी अकेला रहेगा दादी के साथ। पापा भी गए, मम्मा भी शूट पे जा रही है। ठीक है, ओके। देखो लाइट खोल दी इन्होंने कि जाग जाओ, और झाड़ू शुरू हो गई है। आंटी मनी उठो भाई, देखो आंटी ने लाइट भी जला दी है। ना ना ना, गुड मॉर्निंग। देखो बनी को भी नहीं। राम राम। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। तो ये हमारा छोटा बेबी आ गया है यहाँ पे उठ के। तो दो लोग जाया करो, दादी और पोता। सिर्फ तो तुम जब लड़ नहीं पाते हो अपने हाथ के लिए, आपको लोग मारते हैं तो आपको लाइट ना, आपको फाइट। मुझे क्यों मार रहा है? गुस्सा हो रहा है आंटी, मैनेजर गुस्सा हो रहा है। आपके मैनेजर ने बोला है आप दोनों बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। आंटी सुन रही है, आपको क्या लगता है कि आंटी नहीं सुन रही है? पकड़े गए। सो मैं अभी पहले जा रही हूँ रेडी होके कि थ्रेडिंग करा लेती हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत बढ़ गई है। फिर क्लाइंट के घर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे गंदे क्रूर सिंह बन के, क्रूर सिंह जैसे ही लगते हैं। अब तो धूप भी बहुत अच्छी होने लगी है, मतलब गर्मी हो गई है, ठंडी गई गर्मी आ गई। और ये सूदिंग कॉटन कुर्ते निकाल लिए मैंने पहनने के लिए, क्योंकि अभी जाना है मुझे क्लाइंट के घर अगेन, न्यू बॉर्न शूट है। तो पहले हो जाते हैं हम थोड़े से फ्रेश। अंदर पार्लर होता है तो सही रहता है, तो ये सोसाइटी के अंदर ही है। पढ़ता है ना भैया बच्चों के साथ? सही, एक्सपर्ट हो गए। तो कैसी लग रही हूँ? क्लीन। थ्रेडिंग कराई जल्दी से और बस 5 मिनट्स के अंदर सारा काम हो जाता है, बिकॉज जो सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी में ही पार्लर है तो जल्दी से काम हो जाता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब मेरी गाड़ी में नहीं है पेट्रोल, कल हम इतनी दूर गए, 90 किलोमीटर करीब ड्राइव किया, सब ख़त्म हो गया और ध्यान भी नहीं रहा कि लौटते में डलवा लेती, बट यही तो होता है घर भागने की जल्दी में नहीं डलवा पाए। तो अभी जा रही हूँ और अभी डलवाती हूँ, पहले पेट्रोल, फिर सागर को पिक करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे शूट के लिए। सो डलवा लिया हमने अपना पेट्रोल और अब आगे की ओर चलते हैं। पेट्रोल पंप पर मास्क लगाना अनिवार्य है, तो मास्क मैंने निकाल दिया, तो कह रहे मैम मास्क लगाइए। अब अकेले बैठे हैं गाड़ी में, भाई मास्क कहाँ लगा के जाएं। द क्लाइंट प्लेस एंड सेटअप हमारे रेडी हो चुके हैं, 3 सेटअप्स ड्राइंग रूम में हमने सेट कर दिया है, और अभी बेबी थोड़ी अनसेटल है तो वो भी आती है। आके थोड़ी देर सो चुके थे और अब बारी है पैकिंग करने की, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश, वहाँ पे लगा हुआ है कुंभ। और पापा, जैसे कि आपको पता है, इज़ अ कैंसर पेशेंट, तो उनका बहुत दिनों से मन है कि मुझे कहीं लेके चलो, थोड़ा सा बेटर फील करने लगता है आदमी, एक घर में रह रह के भी बोर हो जाते हैं, बेड पर लेटे हुए हैं हमेशा, तो उनको भी लेके जाना है। और चेरी तो हमारी गई हुई है, तो चेरी को वहाँ से पिक भी करेंगे और फिर साथ में लेके आ जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे। बस शुरू करते हैं पैकिंग, और वहाँ पे रुकने वाले बहुत ही अच्छी जगह में, तो वहाँ कुकिंग भी करना है, सामान भी पैक करना है, बहुत सारा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट लगभग हो गई है, और बनी यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बनी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इनको जाना है न्यू स्कूल में, तो वहीं पे आप जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहीं पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो सैटरडे को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना? देखिए कितनी मेहनत चल रही है, इतना टफ वाला सब्सट्रैक्शन कर रहा है बनी। आप कर पाओगे इतना टफ वाला? चलो फटाफट ट्राई ट्राई ट्राई।
सो अभी हमारी पैकिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो लेना बाकी है और डिस्पोजल्स हैं, क्योंकि खाना हम लोग कुक करेंगे तो बर्तन धोने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा, तो सोच रहे हैं कुछ डिस्पोजल्स भी ले लेते हैं। ये सामान हमने ले लिया है, और पॉलीथीन का यूज़ नहीं करिए, हो सके तो कागज़ के बैग्स में लीजिए। तो मैंने ले लिया कुछ रेडी टू मेड, उपमा, पोहा, मैगी और बेसन के लड्डू भी ले लिए, कहीं भूख लगेगी कुछ अच्छा खाने का मन करेगा तो खा सकते हैं। जा तो हम 3 दिन के ले रहे हैं, पर ब्राह्मण है ना, मीठा बहुत पसंद करते हैं, सेहत से ही पता चल रहा होगा आपको। ऑरेंज कैंडी भी लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वॉमिटिंग होती है। अब आप गेस करिए कितने की होगी, जब हम बच्चे थे ना तो ये 5 रुपये की या 2 रुपये की मिल जाती थी इतनी सारी, अब ये है बाबा रे 35 रुपये की। देखो ज़रा कौन आ गया, ये लो आपके लिए गिफ्ट। आपको उल्टी होती है ना, अब ये बताओ, कितने की है, पहले ऐसे करो, अब बताओ कितने की है। 100 की होगी। बताओ पहले कितने की मिलती थी। पहले 25 की मिलती थी। 25 की मिलती थी छोटे में, आपके आपके यहाँ कितने कम्फर्ट 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 है 10 रुपये 2 रुपया के, दो के नहीं मिलते थे 100 ग्राम। हाँ कितने रुपए, 25 रुपए 25 है, हाँ देख लो 35 रुपया। सारे बेवकूफ बना रहे ना। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं पापा मम्मी, क्योंकि जब हमें जाना है अर्ली मॉर्निंग, और अगर हम उनको पिक करने जाएंगे तो हम हो जाएंगे लेट, तो सब यहीं पे आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सोएंगे। पापा मम्मी के लिए रूम रेडी कर रही हूँ, ये हमारा सोफ़ा कम बेड, तो इसको हम बना देते हैं बेड। देखिए ये इसको हटा देंगे और पीछे कर देंगे तो ये बन जाएगा सोफ़ा, और इसको खोल देंगे तो बन जाएगा बेड। तो बस इसको कर रहे हैं हम रेडी पापा मम्मी के लिए, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बस पापा की तबीयत ठीक रहे, पापा को वहाँ जाके एनर्जी मिले गंगे में, या बस उनको ठीक कर दे, यही चाहिए। तो एक तवा रखना है हमको और एक कढ़ाई, क्योंकि रोटी भी बनेगी सब्जी भी बनेगी, और एक बड़ा कुकर, क्योंकि हम तहरी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पापा का सूप बनता है, बिकॉज़ पापा आपने देखा है नोज़ फीड लेते हैं, उनका ज़्यादातर नाक से ही जाता है जो राइस ट्यूब लगी हुई है। बर्तन है वो तो हमने डाल लिए हैं, मतलब बर्तन इन द सेंस वो हैं डिस्पोजल्स, कुछ कप ग्लास प्लेट्स वो उसका रिक्वायरमेंट है। और यहाँ हमने रखा है एक नींबू पानी, नींबू पानी अगर पीने का मन होता है तो नींबू पानी पी सकते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया था उपमा लेके आई हूँ, चाय के साथ चाय पूड़ी, और ब्राह्मण का भोग, बेसन का लड्डू, ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान है मैंने रखा है, मम्मी ने भी बहुत सारा सामान रख लिया है। और अभी हम रख रहे हैं थोड़ी सब्जी, आलू प्याज टमाटर थोड़ा थोड़ा रख लेंगे, जो कि चीज़ ख़राब नहीं हो सकती वही रखा जाए। तो फाइनली थक हार के दिन भर की थकान के बाद बैठ गई हूँ, अब नींद आ रही है तगड़ी वाली, पापा मम्मी का वेट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 10:30 रात का, आई थिंक 11:30 तक आएंगे, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी सेट करके, पापा की दवाइयाँ, पापा का बहुत कुछ होता है जो मम्मी को पैक करके लाना होता है, तो सब करके यहाँ पे आएंगे। फिर हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 6:30 का टारगेट है, 6:30 आई थिंक वी वुड बी एबल टू गो बाय 7 या 6:30, वो कल पता चलेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और आज का व्लॉग इसी पे हम ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके जाना, अभी यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, कमेंट भी कर दो। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।